राजा भर्तरी एपिसोड 9। मैं आप सभी विद्वानों का, भक्तों का और दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। देखिए श्रोताओं, आज मेरे पास प्रसारित करने के लिए एक कमेंट है श्रीमान राघवेंद्र प्रसाद शर्मा जी का। और राघवेंद्र प्रसाद शर्मा जी हमारे वीडियोस पर एक कमेंट लिखते हैं और उसमें वो लिख रहे हैं कि गुरुजी, मैं आपके एपिसोड देख करके इतना प्रभावित हुआ हूं कि अपने आप को ईश्वर की सेवा में समर्पित करना चाहता हूं। मेरे संपूर्ण जीवन को भगवान के चरणों में, भगवान के ध्यान में, भगवान के दर्शन में लगाना चाहता हूं। तो देखिए श्रीमान राघवेंद्र शर्मा जी, आप इस दुनिया के महान व्यक्ति हैं। जो अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दे, उससे बड़ा महान कोई नहीं हो सकता, क्योंकि यह सांसारिकता है, इसमें यह एक ऐसा माया जाल है कि जिसमें जितनी ताकत लगाते हैं उतना ही ज्यादा उलझा जाता है, उतने ही ज्यादा उस जाल में फंसते हैं। तो इसलिए एक मार्ग ऐसा है जिस मार्ग के द्वारा इस माया जाल से बचा जा सकता है और जिंदगी के अच्छे और शुभ कर्मों के द्वारा मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है, और वो है ईश्वर की सेवा करना, ईश्वर में अपने आप को समर्पित करना, ईश्वर की शरण में जाना। तो मैं आपके इस प्रस्ताव से बहुत सहमत हूं। आप एक महान भक्त हैं, ईश्वर आपको सदैव प्रसन्न रखे। तो आइए श्रोताओं, मैं अब आपका ध्यान राजा भर्तरी एपिसोड 8 से जोड़ रहा हूं। राजा भर्तरी एपिसोड 8 में मैंने बताया था कि मिथिलापुरी नगरी में आग लग जाती है, संपूर्ण नगरी जलकर के ध्वस्त हो जाती है। राजा सत्यवर्मा, उसकी पत्नी सत्यव्रता और संपूर्ण नगरवासी, यहां तक कि कोई पशु पक्षी भी उस नगर में जीवित नहीं बचा। और राजकुमारी पानदे गंधर्व सेन के आदेशा अनुसार उत्तरी सुरंग के मार्ग से उस तलघर को छोड़ करके भागती है। उसकी दोनों सहेलियां साथ हैं और चारों पुत्र पुत्री साथ हैं। और जैसे ही वो उस तलघर से निकलते हैं तो एक वन में प्रवेश कर जाते हैं। बहुत भयंकर विशालता लिए हुए गहरा वन, और उसमें कहीं मार्ग भी दिखाई नहीं दे रहा है। रानी पानदे का परिवार रोता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि बालकों की अवस्था अभी अल्प वयस्क थी, छोटे छोटे बालक थे। और उन्हें लेकर के राजकुमारी पानदे अपनी सहेलियों के साथ रोती बिलखती हुई उस वन की तरफ चली जा रही है। होने का संयोग था, रात्रि हो गई, कहीं ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं मिला। देखिए कितनी विचित्र बात थी, जिसको ईश्वर कष्ट देता है तो ईश्वर का कष्ट तो सहना ही पड़ेगा। उस वन में रात्रि का समय हो गया और एक पीपल का या बट वृक्ष भी लिखा हुआ है, एक बट वृक्ष के नीचे सभी ठहर जाते हैं। विशालता लिए हुए बट वृक्ष और उसके नीचे सातों प्राणी ठहरे हुए हैं। होनी का संयोग, उस बट वृक्ष से एक काला सर्प उतरता है। देखिए श्रोताओं, जब जो ईश्वर करता है उसे कोई नहीं मिटा सकता, और वो सर्प इतना भयंकर जहरीला था, यदि किसी को डंक मार दे तो वहीं मर करके तुरंत नष्ट हो जाए, शरीर पीला पड़ जाए, इतना भयंकर सर्प और उस वृक्ष से उतर रहा है। राजकुमारी पानदे का परिवार वहां सो रहा है। राजकुमारी पानदे भी चिंता मग्न अवस्था में पड़ी हुई है, धूल मिट्टी में, जो सोने के स्वर्ण महल में रहने वाली राजकुमारी थी, सुलोचन गंधर्व की पत्नी थी, उसकी इतनी बुरी दुर्दशा। देखिए श्रोताओं, वो सर्प नीचे आया, सातों प्राणियों को देखा और प्रभव जो सबसे छोटा पुत्र था उसको डस लिया। और सर्प ने प्रभव को डसा तो इतना तीव्र विष प्रभव के शरीर में उड़ेला कि प्रभव चिल्ला गया। प्रभव के काटने वाले स्थान पर उसी समय रक्त बह निकला, इतना तीव्र काटा था।
प्रभव का शरीर नीला पड़ने लगा। संपूर्ण परिवार जंगल में क्या कर सकता था, रात्रि का समय था और उनके देखते ही देखते वो सर्प तो एक बिल में प्रवेश कर गया और प्रभव की मृत्यु हो गई। देखो श्रोताओं, जिसको शत्रु नहीं कर सकता उसे हानि कर सकती है। हानि बड़ी प्रबल होती है, उसे कभी नहीं टाला जा सकता। प्रभव की मृत्यु हो गई, संपूर्ण परिवार उस वन में विलाप कर रहा है, रो रहा है। मध्य रात्रि का वक्त है। अब उनके रोने की आवाज जब दूर तक जंगल में गई तो एक जंगली शेर चलता है। जंगली शेर सोचने लगा कि मुझे भोजन मिल गया और जंगली शेर भी दहाड़े मारता हुआ उसी वट वृक्ष की तरफ आगे बढ़ा। जब शेर की दहाड़ राजा भर्तृहरि, राजा विक्रमादित्य और रानी पांडे को सुनाई दी तो कांप जाते हैं अंदर से, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे उनके साथ, कोई सुरक्षा का साधन नहीं था। इसलिए राजकुमारी पांडे और दोनों सहेलियां तीनों बच्चों को लेकर के छिपने के लिए उस वट वृक्ष वाले स्थान को छोड़ देती थी और प्रभव की डेड बॉडी, प्रभव की लाश उसी वृक्ष के नीचे पड़ी रह जाती है और शेर की दहाड़े भी उनके पीछे ही चलती गईं और वो छिपने के लिए रात्रि में उस जंगल में भागते चले गए। सोच रहे हैं कि प्रभव को सुबह प्रातःकाल होगा तो आकर के उसका दाह संस्कार और अंतिम क्रियाएं कर देंगे। वो पांडे राजकुमारी तो अपने परिवार को लेकर के दूर छिप जाती है और अब इधर देखिए क्या होता है। शेर उस वृक्ष के नीचे आता है तो वहां एक लाश को देखता है। शेर उसे सूंघता है और सूंघ करके छोड़ के चला जाता है, क्योंकि शेर कभी दूसरे के मरे हुए मांस को नहीं खाता। इसलिए शेर उसे छोड़ करके चला गया। अब ध्यान से सुनने की बात है, एक लाखा बंजारा जिसके पास 100,000 गाय थी, वो राजाओं का सामान ढोता था, राजाओं का सामान लाता और ले जाता था, तो उसी जंगल से निकल रहा था। प्रातःकाल का वक्त था, उसकी 100,000 गाय उसी मार्ग से चली आ रही थी। लाखा बंजारा गायों के आगे आगे चल रहा था और जब उसने मार्ग में एक बालक को पड़े हुए देखा, कितना सुंदर बालक था जिसे देखकर के चंद्रमा भी लज्जित हो जाता। उस बालक को देखकर के लाखा बंजारा मन में सोचने लगा, किसी राजा का लड़का दिखाई देता है, परंतु इस भयानक जंगल में इसकी मृत्यु कैसे हो गई? क्या ये यहां अकेला आया था? कोई उपाय लाखा बंजारे की समझ में नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं सूझ रही थी। उस बालक को देखता है कि बालक यहां क्यों आ गया। बालक की आयु महज 1.5 साल की थी। 1.5 साल का बालक जो बोलने में भी समर्थ नहीं था। लाखा बंजारे ने देखा तो उसका पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ था। लाखा बंजारा सर्प का इलाज करना जानता था। देखिए हानि का संयोग था। लाखा बंजारे ने अपने समस्त बंजारों को रोका और कहा कि इस बच्चे को जीवित करेंगे, इसको किसी सर्प ने सताया है और न जाने इसकी माता और इसके पिता भी इसे छोड़कर के कहां चले गए। मेरे कोई संतान नहीं है, लाखा बंजारे के कोई संतान नहीं थी, और इस पुत्र को यदि जीवित हो गया तो मैं ले जाकर के पाल लूंगा। संपूर्ण बंजारे उस बालक की लाश को उठाते हैं और वहां से चल देते हैं और कुछ आगे जाकर के उन्होंने उस बालक का इलाज किया, उस पर ढांक बजाया और उसको दवाई दी, औषधियां दी और उसका जहर धीरे धीरे समाप्त हो गया और वो बालक जीवित हो उठा, क्योंकि सर्प का खाया हुआ व्यक्ति 7 दिन तक जीवित रहता है, ऐसा वेद पुराणों में प्रमाण है। बड़े बड़े विद्वान ये बात कहते आए हैं। केवल उसका शरीर काम करना बंद कर देता है जबकि ब्रेन जीवित रहता है, तो वह बालक जीवित हो गया। और जीवित हो गया तो सुंदरतम बालक को देख करके लाखा बंजारा बड़ा प्रसन्न होता है और प्रभव नामक उस लड़के को लेकर के वो प्रस्थान कर जाता है।
लाखा बंजारा चला गया। उधर प्रातःकाल हुआ तो महारानी पांडे राजा गंधर्व सेन की पत्नी अपने उस पुत्र को खोजती खोजती उसी वट वृक्ष के नीचे आ जाती है। वहां आकर के देखती है उस वट वृक्ष के नीचे तो वहां कोई बालक नहीं था। राजकुमारी रो रो करके अपना बुरा हाल कर लेती है। उसकी माता थी प्रभव की सेनापति की पुत्री का रो रो करके बुरा हाल हो गया। परंतु धैर्य के अतिरिक्त उनके पास कोई चारा नहीं था। ईश्वर से किसी की पेश नहीं खाती, जो ईश्वर करता है वो अवश्य होता है, उसे कोई नहीं मिटा सकता। हे विद्वानों, रानी पानदे अपनी सहेलियों से कहने लगी कि अब हमें यहां ठहरने से कोई फायदा नहीं होगा, मृतक पुत्र की लाश को जंगली जानवर खा गए होंगे, इसलिए यहां से छोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए। 6 व्यक्ति रह गए, 3 सहेलियां, 2 पुत्र भर्तरी और विक्रम और 1 पुत्री मैनावंती। 6 प्राणी वहां से चल देते हैं। चलते चलते उस वन में जब और आगे बढ़े तो एक ऋषि का आश्रम मिल जाता है। उस ऋषि के आश्रम में 6 प्राणी पहुंच जाते हैं। संत के आश्रम में पहुंच करके राजकुमारी पांडे, उसकी सहेलियां और दोनों राजकुमार भर्तरी और विक्रमादित्य तथा उनकी बहन मैनावंती वहां रहने लग गई। उस संत का नाम वैसे दे नहीं रखा है जिस स्रोत से मैं आपको सुना रहा हूं उसमें, परंतु उस संत के आश्रम में उस महावीरवान वन में रहने लग जाते हैं। धीरे धीरे उनका समय निकलने लगा। उन्होंने संत को यह नहीं बताया कि वो गंधर्व शयन की पटरानी पांडे है। वो गुरु की सेवा किया करती थी, वहीं उस साधु की सेवा करती थी और उसी आश्रम में अपना समय गुजार रही थी। आगे का वर्णन मैं आपकी सेवा में अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।